एक कमेंट थी कि क्या है पति को बदतमीज बोलती है, पता नहीं बदतमीज बोलती है, शर्म नहीं आती। हाँ ठीक। और ये पता कौन औरतें हैं, ये वो औरतें हैं जो दूसरी औरतों में बैठ के अपने पति की बुराइयां करती है। अरे मेरे खसम ने तो ये नहीं दिलाया, मुझे ये नहीं करा, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा। दो अनजाने अजनबी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। सो गाइस, पहले तो मेरे हेयर को इग्नोर करना, अभी तक मैंने कंघी नहीं करी। सो हाँ, मैं नहाई भी नहीं हूँ, बस ज़्यादा बन रहे हो, झूठ बोल रहे हो। गाइस मैं नहा तो ली हूँ पर मैंने कंघी नहीं करी क्योंकि मेरे को ऑयलिंग करनी है। और पहले तो हैप्पी गोर्धन। और आज जैसे यहाँ का रिवाज है अनी की साइड का कि गोवर्धन के दिन क्या बनता है, कढ़ी बाजरा। तो बाजरा तो है नहीं, ना मेरे को बनाना आता, तो मैं सोच रही हूँ मैं कढ़ी चावल बना लूँ। हाँ तो कढ़ी और रोटी, चावल रोटी खाने का, चलो कढ़ी रोटी बना लेती हूँ। और कढ़ी वैसे इनको पकोड़े वाली पसंद है, मेरे को अलग से पकोड़े बनाने पड़ेंगे, मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा पकोड़े बनाने में, पर इनको पकोड़े वाली कढ़ी अच्छी लगती है। और जैसे दही है पर दही की कढ़ी ना अच्छी नहीं लगती है, वो खटास नहीं होती, तो इनको भेज रही हूँ मैं लस्सी लेने, और लस्सी वाली कढ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, पतली पतली है, मज़ा आ जाता है। और मेरा बहुत टाइम से मन कर रहा था कढ़ी खाने का, फाइनली आज कढ़ी बना रही हूँ बहुत टाइम बाद, कम से कम 3 महीने हो जाएंगे यार कढ़ी बनाए। और मेरा पार्सल आ गया है, मैं थोड़ी देर में आपको पार्सल दिखाती हूँ, अनी जी ने जो मेरे लिए पार्सल मंगवाया है। ओके, जब अनी आ जाएंगे मैं तब वो आपको पार्सल खोल के दिखाती हूँ। गाइस तो ये जा रहे हैं, फिर बात करते हैं आपसे। ओके तो दोस्तों, जैसे कढ़ी बनाई थी तो इनको पकौड़े वाली कढ़ी तो चाहिए, और शाम को ये कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, जैसे पकोड़े खाते हैं। ब्रेकफास्ट नहीं, मेरे को कढ़ी मतलब कढ़ी में पकोड़े के साथ मेरे को पहले 2-4 पकोड़े पसंद है खाने हैं। सच्ची में और मैं इतना इरिटेट होती हूँ यार पकोड़े वाली कढ़ी बनाने से, क्योंकि मेरे को यार मेहनत लगती है ना पकोड़े बनाने में, तो इसलिए मेरे को ना सिंपल कढ़ी पसंद है, आलू डाल लो उसमें ऐसे, और बिना आलू की भी अच्छी लगती है, पतली पतली कढ़ी बहुत अच्छी लगती है। और यार मैं 2 कटोरियां कढ़ी पी चुकी हूँ, और अब 1 और कटोरी है ये कढ़ी की, और सच्ची में मन ही नहीं भर रहा कढ़ी पीने से, अभी भी बात करते करते ना मुंह में पानी आ रहा गाइस। तो मैंने कढ़ी खा के आपको पार्सल दिखाती हूँ, हमारा पार्सल आ चुका है जो अनी ने गिफ्ट लिया था, तो मैं कढ़ी पी लेती हूँ और ये अपने पकोड़े खा लेते हैं, एंजॉय करते हैं, और फिर हम आपको पार्सल दिखाते हैं, देखती हूँ उसमें कैसी कैसी लिपस्टिक्स आई हैं और कैसा कैसा कलर्स आया है और क्या क्वालिटी है, फिर मैं आपको बताती हूँ। हो गए काजू कतली खा लो, कल से मैं काजू कतली पे लगी हुई हूँ। ये कैसे खोलोगे अब ये तो बताओ। काजू कतली मेरी फेवरेट है, मेरे हाथ काफी है। देखते हैं। बस ओ क्या बात है, अरे लो तुम ये दे। मारना चाह रहे हो मुझे? हाँ, तुम्हें टुड़काते ही मेरी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम खत्म है। ये बात तो है। तुम ना, हाँ वैसे ये सच भी है। सच तो है बेबी, ये इतनी सारी लिपस्टिक ये सही में इतनी सारी हैं क्या है, मतलब ये फ्रॉड हो गया कि इतनी ये लिपस्टिक है? लिपस्टिक मतलब मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट मंगाया, वो बेकार निकला यार। क्या है, मेरे को लगा मिनी वो तो आएगा, ये तो ट्रायल के लिए भेजी है ना। तो ये क्या चीज है इसमें, उसके साथ जो फ्री आने वाला था, आप कह रहे थे एक और चीज फ्री आएगी, जस्ट हॉप्स। अरे फिर मेरे से मत मंगा करो, ये तुम ही गए। वाओ कितने की थी? पता 600 समथिंग की तो ये थी। हैं तुम पागल हो, ये पर हाँ ये तो फ्री थी ना, 600 समथिंग की। वाओ 1200 समथिंग की ये थी। ए ये तो डॉट्स हैं। यार क्या है, पर ये काम तो आएंगे ना? क्या काम तो आएंगे, एक एक बार काम आएंगी। हाँ तो कितने की? 250 रुपए की सारी, मैंने तुम्हें झूठ बोला था, वो 3000 रुपए की। मैंने कहा ये देखो इतनी सारी लिपस्टिक है, ये तुम्हारे लिए मंगा दो, कहती हाँ इतनी सारी है, मैंने कहा हाँ मंगा दो, मैंने 3000 रुपए की, थोड़ी महंगी है। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इतनी सारी थी, 600 रुपए की आती है। मैंने कहा ठीक है, वो 250 रुपए की थी, मैंने ऑर्डर कर दी, 250 में भी ये फ्री थी। अरे बढ़िया,
बाल में खत्म हो जाएंगे, तुम भी ना वेस्ट कर दिए। तो अपने होठों से बोला ना इतने लिपस्टिक ना ले, पता नहीं वे फैलते। ठीक है तो यार फिर भी यार 250 रुपए में देखना कितनी सारी यूज करोगे तुम। मूड ऑफ कर दिया। मूड क्या ऑफ कर दिया? चलो ये यार ये तो सही में देखना, ये यहाँ पे लगाने के लिए। अच्छा जो तुम्हें यहाँ से साइड थोड़ी लाल कर देगा, जो तुम गुस्से में होती हो बस। मैं गुस्से में भी ब्लश ही करता हूँ तुम्हारे प्यार में। हाँ ठीक है। तो कलर तो गाइस इसके बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, सारे 12 के 12। पर एक कुल मिला के दो दो तीन तीन बार यूज होंगी है ना? मेरे को नहीं लगता तीन तीन बार यूज होंगे, मेरे को लगता है ये एक एक बार यूज होंगे, एक एक दो दो बार। कितनी है? ना यार ऐसा ना दे, ऐसा मत कर। पर गाइस देखो ये रेड कलर कितना प्यारा है। अरे यार ये तो सेम कलर है क्या? नहीं अलग अलग कलर हैं, पर कलर सारे अच्छे हैं यार, न्यूड भी हैं डार्क भी हैं। और मैं इनका, मेरे को इनका बेस भी अच्छा लगा। और कोई नहीं जब इस पे तुम पे ना ये देखा भी नहीं गया कि मैंने तुम्हारे साथ स्कैम करके मंगाया है। मैं कहा तुम कहती, वैसे तुमने आज तक कहा तो है नहीं कि कुछ वो भी मंगवाते हो या फिर कुछ, बट फिर भी मैंने सोचा चलो मैं मंगवाता हूँ। और ये देखो यहाँ पे लिख रहा है 300 रुपये, जिसमें 50 रुपये डिलीवरी चार्ज थे, 240 रुपये डिलीवरी चार्ज थे, 260। मैं कभी पार्सल में खोल के प्राइस देखते ही नहीं हूँ, मुझे पता है मैं ऑनलाइन ऑर्डर ही करता हूँ, कैश ऑन डिलीवरी तुम ला करते हो। तो गाइस कोई नहीं, कलर मेरे को इसके सारे बहुत प्यारे लगे, मैं इसको ट्राई करके देखूंगी। अगर ये छोटे पैक अच्छे हैं, मतलब इनकी क्वालिटी अच्छी, पर मुझे लग रहा है यार ये देख लो, तुम खुद देख लो, ये कम से कम 2 से 3 बार तो चलेगी। एक बार आपको लगाऊंगी ना, एक घूसे में तुम्हारी टट्टी बाहर ना आ जाए। मैं ना लड़ते रहते हैं पागल। तो इतने सारे कलर्स हैं, मेरे को इनकी क्वालिटी तो अच्छी लग रही है। अगर गाइस इनकी क्वालिटी अच्छी हुई ना तो मैं इनका बड़े वाली पैक मंगवाऊंगी, और फिर इनका फिर जब खर्चा करवाऊंगी, क्योंकि ना बड़े वाली एक लिपस्टिक का प्राइस है 500 550 समथिंग। ओके सफोरा की मंगवा दो ना। सफोला तो तेल होता है, सफोला नहीं वो होता रिफाइंड सफोरा। चलो ठीक है तुम्हारे सब्जी बनाने के लिए ले आऊंगा। ठीक है पता है कहीं प्राइस महंगे हैं उसके, इसलिए बात घुमा रहे हो। यार देखो महंगी चीजों में क्या रखा है, अनमोल चीजें अनमोल होनी चाहिए। देखो महंगी तुम्हें इसकी नीड थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे पूछ लिया तो अनमोल, क्योंकि मैंने पूछ लिया वो अनमोल। लड़की को लिपस्टिक की नीड नहीं होती? अरे पर तुम्हें उस टाइम पे तुमने ये बोला था मेरे को चाहिए। हाँ। तुम हो गधी वैसे सही में, तुमने उस टाइम पे बोला था जब मैं ये मंगा रहा था, जब तो मैंने खुद ही बोला ना कि अच्छा तुम्हें लिपस्टिक चाहिए, तुमने बोला तो जब तो मैंने पूछा ना ये चीज अनमोल। चलो कोई नहीं अब मेरे को मार्केट जाना पड़ेगा, अच्छा खुद ही मंगवा दो। तो उस टाइम पे वैसे मतलब तुमने मुझसे नहीं बोला था ना, मैंने ही तुमसे बोला ना। तुमने मेरे मन की बात पढ़ ली तो मैं क्या करूं। पर्स दिया इन्होंने और कल ट्राई करूंगी इसकी लिपस्टिक। एंड मैं क्या कहने वाली थी, मैं शॉक्ड होगी वैसे इसकी पैकेजिंग देख के, इतनी छोटी भी मिनी पैक देखी है मैंने, जैसे रहने की है लिपस्टिक वो कई बार लग जाती है, मेरे को तो ये 2 या 3 बार ही लगेंगी, और ये हाथ में भी नहीं आ रही वैसे। और कोई नहीं, हस्बैंड लोगों से अगर ये मेकअप का सामान मंगवाने लगे तो हमेशा लूटोगे, क्योंकि और इनको कुछ नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, इससे अच्छा खुद ही मंगाओ खुद ही लेके आओ। पहली बार ही इन्होंने यू डिड नॉट अप्रिशिएट माय गिफ्ट, इस बात पे तुम्हें हैं हैं आई अप्रिशिएट करो। देखो उस वो बोलो कितना अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मेरे को, हाँ वरना ये यूज हो जाएगा ये। अरे तुम जो अलग गया ना पागल, फिर लेके भी फिरते रहोगे डॉक्टर के पास। ठीक है तो गाइस अभी और कुछ पार्सल आना बाकी है? हाँ ना बाकी है ना, इनके कुत्तों की पेडिग्री। तो गाइस चलो हमारा पार्सल है, पर्स हमारा अभी कड़ी बना लिया मैंने, अब इनकी चपातियाँ बनाती हूँ और फिर कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। बस ये है हमारा डिनर, हम अलग हो चुके हैं तो हमारी कटोरियाँ भी अलग अलग है। हाँ ऑफिशियली अनाउंस है अब अलग हो गए, ठीक है ना, अब चीजें ठीक हो जाएंगी। मुझे हमेशा हर चीज देसी घी का चाहिए। क्या मतलब क्या बोला मैं तो सीरियस ले रहा था, तुमने बोला अब हम अलग अलग हो गए हैं, तो मैंने कहा अब अलग अलग हो गए हैं, अब चीजें ठीक हो जाएंगी।
अच्छा मेरे साथ होने से बिगड़ गई चीजें। जैसे मैं हमेशा सब्जी कड़ी में देसी घी खा के डाल के खाती हूँ और ये सिंपल खाते हैं। तुम्हारे साथ होने से सही मायने आ गए हैं। और बताओ। चलो थैंक्स टू मी एंड ऑलवेज। सो गाइस किसी ने थैंक्स टू मी ऑलवेज। हाँ मेरे को एक चीज याद आ गई, मैं खाना खाने से पहले मैं उस कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। एक कमेंट थी कि क्या है पति को बदतमीज बोलती है, पता नहीं बदतमीज बोलती है, शर्म नहीं आती। हाँ तो ये जो औरतें हैं ना जो इस तरीके से अब यूज कर रहा है, देखो हमारी प्यारी नोक झोंक वो तो नोटिस नहीं करी, तो मेरा एक वर्ड नोटिस कर लिया बदतमीज, मतलब बदतमीज बोलती है पति को। और ये पता कौन औरतें हैं, ये वो औरतें हैं जो दूसरी औरतों में बैठ के अपने पति की बुराइयां करती है, अरे मेरे खसम ने तो ये नहीं दिलाया मुझे, ये नहीं करा, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा। तो हमारी मैं बदतमीज बोल रही हूँ पर इज्जत तो कर रही हूँ ना। ये क्या हुआ, मतलब चार औरतों में बैठ के बुराई तो नहीं कर रही? हाँ मतलब चार औरतों में बैठ के चुगलियां तो नहीं कर रही जो तुम अपने पति को। कहने का मतलब ये है श्रीमान जी, कहने का मतलब ये है कि जब एक बॉन्ड होता है उस बॉन्ड में बहुत सारी बातें होती हैं। जब मैंने इसके ऐसे मार दिया, ए चल वो कर ले और मेरे लिए वो ले जा, बोले बदतमीज ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तो ये बॉन्ड होता है, ये कॉन्वर्सेशन होता है, इट्स नॉट अबाउट समथिंग यू कैन टेक सीरियसली, राइट। और यही बोलना चाह रही है कि आप उन औरतों में से हो जो अपने पति की बहुत ऐसी की तैसी करते हो फोन पे, या तो अपने घर वालों के साथ तुम्हारे अपने घर वाले, या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में जा, मेरा तो ऐसा है, मेरा तो ऐसा है, मेरा तो ऐसा है। तो हम ऐसे तो नहीं करते ना। और रही बात, कुछ नहीं मेरे को खाना खाने दो, मेरा खाना ठंडा हो जाएगा। बाकी कमेंट्स का रिप्लाई मैं बाद में करती हूँ। मेरा तो बदतमीज भी है, मेरा तो अच्छा भी है। मुझे अजीज भाई बेसिक में बदतमीज बोल रही हूँ, इज्जत तो। वाह शाबाश। तो यार देखो प्यार की बॉन्डिंग में अगर बदतमीज भी बोलते आते तो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो तो ऐसे तो वो प्यार की बॉन्डिंग है, इट्स नॉट हेट। ओके मैं खाना खा लेती हूँ गाइस, बाकी कमेंट्स का रिप्लाई मैं खाना खाने के बाद करती हूँ। ये मेरे को थोड़ा चुभ रहा था इसलिए मैंने कर दिया रिप्लाई। बाकी पता नहीं कैसी सी मेंटलिटी है तो मतलब कि पॉजिटिविटी लोगों को नोटिस नहीं करनी भाई, कितनी पॉजिटिविटी है, कितना प्यार है, एक वर्ड जो बस हिट करना भाई, हमें तो बस इसको कमेंट करनी है, हमें तो ये करना वो नोटिस करना है, क्या हो यार तुम, मतलब अपने उसमें ध्यान दो, अपने घर में ध्यान दो, दूसरों में क्यों ताका झाकी कर रहे हो। हम एंटरटेन कर रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं, अपनी दिनचर्या बता रहे हैं, बस उस चीज को एंजॉय करो। मतलब कि लाइफ पे कमेंट करना है कि हाँ भाई ये क्या कर रहा है, उसके उसमें क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव रहो और हेट मत फैलाओ गाइस, ठीक है। मुझे कमेंट चुभी और मेरे को मतलब फील हुआ, चुभी नहीं मेरे को फील हुई, मतलब यार कैसे, मतलब इस खुद की सोच इसकी ऐसी होगी और ये है बोल रही है, मतलब इतना प्यार भरी बॉन्डिंग, इतनी बातें, वो सब नोटिस नहीं करी, ये बदतमीज बोल दे तो वो नोटिस कर लिया। तो गाइस मेरी कड़ी ठंडी हो रही है, मैं पहले खा लेती हूँ खाना, उसके बाद मैं आपको रिप्लाई करती हूँ कमेंट्स का। कमेंट्स करने का टाइम हो चुका है तो मैं कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ। बहुत सारी कमेंट्स तो बहुत सारी नहीं है, अरे अभी तो मैंने इतने स्क्रीनशॉट लिए थे, कमेंट एक मिनट रुको देख लेती हूँ यार। अरे नहीं बहुत सारी नहीं है, वो मैं शायद पढ़ रही थी, हाँ सॉरी, तीन ही कमेंट्स हैं और जो वो बदतमीज़ वाली कमेंट है एक वो थी। सो वो कमेंट तो मैं लगा दूँगी आपको कि क्या बोल रही थी। तो फर्स्ट कमेंट है, दीदी आप मेरा नाम नहीं लेते हो, मैं आपकी रोज़ व्लॉग देखती हूँ, प्लीज़ दीदी मेरा भी नाम ले लो, दीपू। थैंक यू सो मच दीपू, बट जैसे आपका यूज़र नेम है आपने अभी बोला, और मतलब बहुत सारे मेरे को बोलते हैं कि मेरा नाम ले लो, पर ना यार वो यूज़र नेम उन्होंने अपना नेम नहीं डाल रखा, इसलिए अगर जिनका यूज़र नेम है तो प्लीज़ अपना नाम लिख दिया करो कि हाँ भाई मेरा नाम ये है, तब मैं नाम ले दिया करूँगी। बाय द वे थैंक यू सो मच दीपू जी कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट कमेंट है ज्योति वर्ड्स, प्लीज़ मेरा नाम भी लेना। थैंक यू सो मच ज्योति जी कमेंट करने के लिए। एंड नेक्स्ट कमेंट, अरे नेक्स्ट ये कमेंट तो वही है जो मैंने वीडियो में लगाने के लिए लिया है, देखो कमेंट ये है, बदतमीज हस्बैंड को बदतमीज बोलती है बेशरम।
अरे यार एक नोक झोंक है हस्बैंड वाइफ दोस्तों के बीच में, एक प्यार का नोक झोंक का रिश्ता होता है, क्यों इतना तुम सीरियस लेते हो? हमारी बॉन्डिंग है, हम एक दूसरे को बदतमीज बोलते रहते हैं और ये मेरे को ऐसे चाटे मारते रहते हैं, और ये और वैसे हस्बैंड वाइफ में तो ऐसे कोई वाइफ पे ऐसे हाथ भी नहीं उठा, चाटे भी नहीं मारता मजाक में, वैसे तो कूटते हैं अच्छे से मजाक में ऐसे हाथ नहीं उठाता। सो यार प्यार का रिश्ता है, अपना दूसरों के हिसाब से नहीं जीना चाहिए कि भाई दूसरे क्या सोचेंगे क्या सोचेंगे, तो फिर हमारी लाइफ क्या रहेगी, हम कैसे खुश रहेंगे। सो इग्नोर दिस कमेंट पर फोकस also focus this kind of mentality and ignore these kind of people. Oh, thank you help करने के लिए। So guys, मैं क्या कह रही थी, हाँ वो lipstick कल तैयार करूँगी कह रही हूँ, वो lipstick कल apply करूँगी, और अभी बालों पे oiling कर लेती हूँ क्योंकि देखो बहुत ही rough हो चुके हैं और बिल्कुल ऐसे उलझे पड़े हैं, क्योंकि मेरा shampoo ख़त्म हो गया अभी, इनका कितने का 1900 या 2100 का फटका लगाती हूँ क्योंकि मेरा शैम्पू इतने का ही आएगा विद कंडीशनर। ये क्या अभी वो कल परसों लेकर आया था उतना 1000-1200 का सामान, वो काफी नहीं है क्या? तो क्रीम थी और सीरम था और फेस वॉश था। कितने का आएगा? देखो कंडीशनर और शैम्पू 2110 या 1910 समथिंग का आएगा। मैं श्योर नहीं हूँ, बस वही है अभी तो एक महीने के लिए, अगले महीने फिर से अप्लाई कर देना, और मेरी नाइट क्रीम रह गई है गार्नियर की, वो ले आना। सो गाइस जैसे ना मैं वो वाला शैम्पू था, मेरे को शायद लगता है पानीपत जाऊंगी जब वेस्टिज वहाँ पे शोरूम है वहाँ से लेके आऊंगी वो हेयर ग्रो वाला, तो मैं सोचती हूँ अपना लॉरियल का ही मंगवा लूँ, लॉरियल एक्सटेंशो हेयर केयर, तो उससे बिल्कुल ही ऐसे रहते हैं बाल सॉफ्ट। अभी मैंने हेयर एंड शोल्डर से सर धो लिया, ये हेयर एंड शोल्डर यूज़ करते हैं तो बाल देख सकते हो ऐसे कैसे बछड़े ने चबा रखे हैं, ऐसे बाल हो रखे हैं मेरे, बिल्कुल ही बिल्कुल उलझे पड़े हैं बाल मेरे, तो इसी वजह से मैं अपना वही लॉरियल एक्सटेंशन ही मंगवा लेती हूँ। महंगा है पर बालों की केयर अच्छे से होती है, बाल बिल्कुल सिल्की से रहते हैं, स्ट्रेट रहते हैं, उलझते नहीं हैं। तो गाइस इसी के साथ हम आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, साइनिंग ऑफ नाउ।